हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बात करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम के एग्जांपल के बारे में। लास्ट टाइम हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम के रिलेटेड एग्जांपल कैलकुलेट किए थे, आज भी कंटिन्यू रखेंगे एग्जांपल ऑफ लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम मैथ्स 3 में, जो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसमें ये जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, चलो तो थ्योरम क्या था आपको याद होगा कि हम लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 0 to t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी। ये हमारा मेन थ्योरम था, ये 0 to t इंटीग्रेशन है। ओके, चलो तो आज का फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड लाप्लास इनवर्स एस अपन एस माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो सबसे पहले हम इसको एक को एफ ऑफ एस बोलेंगे और दूसरे को जी ऑफ एस बोलेंगे, और मैंने बोला था कि हम किसको एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस कंसीडर करेंगे कि जिसका इनवर्स निकल सके, लाप्लास इनवर्स निकल सके। तो अगर मैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपन एस माइनस 3 लू और जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपन एस स्क्वायर प्लस 4 लू तो हो जाएगा। ओके, चलो अगर एफ ऑफ एस वन अपन एस माइनस 3 है तो एफ ऑफ टी मीन्स इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, ई डेस टू 3t होगा। क्या होगा, 3t। चलो इसका क्या होगा, तो इसका होगा cos 2t क्योंकि s है और 4 मींस 2 का स्क्वायर है। चलो f of t हुआ, ये हुआ हमारा g of t cos 2t। चलो f of u क्या होगा, तो f of u होगा e raised to 3u। ओके, चलो g of t minus u क्या होगा, cos 2t minus 2u, ये होगा 2t minus 2u। तो हमारे पास f of u जी ऑफ टी माइनस यू आ चुके हैं, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे कि लाप्लास इनवर्स एस अपन एस स्क्वायर प्लस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 to t एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू क्या है, ई रेस टू 3u। ओके, इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, ये क्या है, कॉस टू टी माइनस टू यू डी। ओके, तो ये हुआ 0 to t ई रेस टू 3u इंटू कॉस टू टी माइनस टू यू। अब तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो हम ऐसे लिखेंगे ई रेस टू ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 11th और 12th में 11th साइंस में आ चुका है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ऐसा होगा। तो देखो ये सिमिलरली फॉर्म है, वेरिएबल क्या है, यू है, तो इसमें यू के साथ है उसको ए बोलेंगे और इसके यू के साथ ही इसको हम बी बोलेंगे। तो ए इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और बी इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। ओके,
चलो अगर cos के बदले मान लो कि कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें sin आ चुका है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका फॉर्मूला में सिमिलरिटी है, ओनली चेंजेस क्या होगा, तो अगर sin है तो sin आगे लिखेंगे हम, बीच में माइनस होगा और cos पीछे लिखेंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था। ओके, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है e^ax cos bx, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है cos वाला, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। चलो तो अप्लाई करते हैं। देखो मैं इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके चलो इसका मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ, देख लो e^3u, a के बदले 3 लिखता हूँ। डिनोमिनेटर में a² + b² मीन्स u के साथ 3 है तो 3² प्लस ये u के साथ -2 है तो -2² आपको u देखना है क्योंकि वेरिएबल u है इसलिए। ओके चलो अंदर क्या होगा, a cos bx, a इज इक्वल टू क्या है 3 cos और पीछे क्या लिखना है ये पूरा टर्म्स लिख देना है cos 2t - 2u प्लस b मीन्स -2 sin 2t - 2u। ओके लिमिट क्या है 0 to t। आपको इस फॉर्मूला में a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -2 लिखना है। जस्ट cos के पीछे जो भी एंगल है वो सिमिलरली रखना है, उसको कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके चलो अब जहां पे u देखता है वहां पे हम t पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे। चलो तो यहाँ पे करते हैं, देख लो ये होगा e^3t, ये 9 होगा और ये 4 होगा, 9 + 4 मीन्स 13 होगा। ओके चलो ये होगा 2t - 2t 0 मीन्स 3 cos 0 -2 sin 0, ऐसा होगा साइन 0 0 होता है। ओके -e^0/13 0 पुट करेंगे हम u के बदले तो 2t होगा 3 cos 2t और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 2t होगा तो 2 sin 2t। ओके चलो अब सिंप्लीफाई करें तो cos 0 1 होगा तो 3 ये होगा 3e^3t/13, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि साइन 0 0। चलो ये होगा -3 cos 2t/13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2/13 sin 2t। ओके तो 13 डिनोमिनेटर में कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिए तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा? तो फाइनल आंसर आ सकता है हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/13 3e^3t - 3 cos 2t + 2 sin 2t, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके तो ऐसे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर का ये फर्स्ट एग्जांपल है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जांपल लेता हूं। लाप्लास इनवर्स s+2/s² + 4s + 8 होल स्क्वायर
चलो ये एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चलो तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं f of s इज इक्वल टू ले लेता हूं कि f ऑफ s इज इक्वल टू 1 upon s² + 4s + 8 ऐसा लिख देता हूं। और g of s के बदले में लिख देता हूं s + 2 upon s² + 4s + 8 ऐसा लिख देता हूं। अब देखो इसका अगर इनवर्स करना है मुझे, मींस हमें f ऑफ t फाइंड करना है और इसका g ऑफ t फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेट करना पड़ेगा। ऐसा कई सारे एग्जांपल आगे मैंने आपको सिखाए। तो सोचिए आप कि 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा और +4 होगा। मींस या पे मैं इनवर्स फाइंड करके आपको बताता हूं या पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा लाप्लास इनवर्स 1 upon s² + 4s + 4 + 4 ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये 4 कैसे लाया मैंने आपको मैंने सिखाया था 4 का हाफ 2 होगा 2 का स्क्वायर 4 तो ये टोटली क्वाड्रेटिक हो गया। चलो ये 2 का स्क्वायर है तो आगे मैं 2 से डिवाइड करूं या पे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 4 है वो क्या किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये 4 है 2 का स्क्वायर, इसलिए ऊपर 2 चाहिए अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 e^-2t एंड साइन 2t क्या होगा e^-2t sin 2t ऐसा होगा। ओके तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूं f ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 e^-2t sin 2t ये हमारा आंसर 1/2 e^-2t क्योंकि s प्लस 2 है तो फर्स्ट शिफ्टिंग जैसे हम लगाते थे इसका इनवर्स भी करना पड़ेगा। ओके चलो तो f ऑफ t आपको मिल गया। अब सिमिलरली आप सोचिए कि अगर मैं 1 के बदले या पे s प्लस 2 लिखूं या पे s प्लस 2 तो ये 1/2 करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया cos 2t s + 2 square 2 square s + 2 है तो e^-2t s है तो cos 2t होगा। आगे मैंने सिखाया ये सारे एग्जांपल तो ये होगा e^-2t cos 2t ऐसा होगा e^-2t cos 2t। चलो अब इसका u में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे u में कन्वर्ट। अब तो f ऑफ u क्या होगा तो देखते हैं क्या होता है। चलो तो f ऑफ u होता है 1/2 e^-2u sin 2u ऐसा होता है। चलो g ऑफ t माइनस u क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या होगा e^-2t - u इसको हम 2u - 2t लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2u - 2t क्योंकि t माइनस यू लिखेंगे तो माइनस 2 अगर मल्टीप्लीकेशन होंगे तो u वाला टर्म प्लस होगा और ये होगा cos 2t - 2u। ओके चलो अब क्या करना है तो ये टोटली टर्म्स है उसको हमें इंटीग्रेशन में लिखना है। इसका हमें इसका इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0 to t f of u g of t - u ऊपर लिखा है। ओके मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं। चलो f ऑफ u तो f ऑफ u इज इक्वल टू क्या लाए हम 1/2 e^-2u (sin 2u) ओके चलो ये हुआ हमारा f ऑफ u। चलो g ऑफ t माइनस u क्या है तो e^-2u - 2t ये हुआ cos 2t - 2u। चलो अब क्या करना है तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो आप देखो एक्सपोनेंशियल में ये जो -2u है ये +2u है और -2t है आगे 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 ये जो e^-2t है वो बाहर निकल जाएगा। ओके
ये माइनस टू यू और ये प्लस टू यू आप कैंसल आउट कर देंगे, जो टोटल ऐसा होगा इज टू माइनस टू यू प्लस टू यू माइनस टू टी, ये कैंसल आउट हुआ तो कितना बचा इज टू माइनस टू टी, ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि वेरिएबल तो यू है, तो इज टू माइनस टू टी को मैंने बाहर रख दिया। चलो अब क्या बचेंगे अंदर, तो जीरो टू टी यहाँ पे होगा साइन टू यू इंटू कॉस टू टी माइनस टू यू, ऐसा होगा। इतना बचता है। चलो अब तो मैंने आपको बताया था चार फॉर्मूला, 2SC 2CC, कोई भी फॉर्मूला कहा भी कोई भी एग्जांपल में आ सकते हैं भाई। चलो तो यहाँ पे हम 2SC वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरेटर में 2 नहीं है तो सबसे पहले मैं 2 लाऊंगा, तो 2 ला देते हैं। चलो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इज टू माइनस टू टी जीरो टू टी टू साइन टू यू इंटू कॉस टू टी माइनस टू यू डी हो गया, टू साइन टू यू इंटू कॉस टू टी माइनस टू। चलो अब 2SC तो s प्लस s होगा। चलो ये जो इंटीग्रेशन है वो हम ये सारे इरेज करके ऊपर करते हैं, ओके। अगर आपको ओके, चलो तो आप देख लो, चलो देखते हैं अब, तो ये सब इरेज कर देता हूं मैं, ये सब इरेज कर देता हूं, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, ओके चलो तो इंटीग्रेशन करूं मैं तो 2SC, तो सबसे पहले मैं s प्लस s लिखूंगा 1/4 इज टू माइनस टू टी जीरो टू टी। चलो यहाँ पे होगा s, ये जो एंगल है इसका समेशन होगा, तो 2u प्लस टू टी माइनस टू यू प्लस साइन, अब सब्सट्रैक्शन होगा 2u माइनस टू टी प्लस टू यू हो जाएगा और वेरिएबल है डी यू, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। चलो ये टू यू कैंसल आउट, तो साइन टू टी बचाए 1/4 इज टू माइनस टू टी, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिंप्लीफाई करते हैं, साइन टू टी और यहाँ पे है साइन 4u-2t डी यू। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, साइन टू टी का विथ रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन क्या होगा, यू साइन टू टी क्या होगा, यू साइन टू टी। चलो इसमें यू नहीं है इसलिए यू साइन टू टी हुआ, साइन टू टी कॉन्स्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा, यू होगा। चलो इसमें यू है यस, तो साइन का माइनस कॉस फॉर यू माइनस टू टी और यू के साथ फॉर है तो डिनोमिनेटर में फॉर लिखना पड़ेगा और ये है 0 to t। चलो अब जहां पे यू है वहां पे हम टी पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे, तो 1/4 इज टू माइनस टू टी, ये हुआ हमारा टी साइन टू टी माइनस कॉस 40 माइनस टू टी। चलो 40 माइनस टू टी क्या होगा, 40 माइनस टू टी टू टी होगा, टू टी बाय फोर। चलो 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का प्लस होगा, कॉस ये 0 तो माइनस टू टी बाय फोर। चलो ये कॉस माइनस टू टी है, बाहर निकालोगे तो ये माइनस बाहर नहीं निकलता है, प्लस ही रहता है, तो ये कैंसल आउट हो जाता है क्योंकि ये माइनस बाहर नहीं निकलता है क्योंकि कॉस इज अ इवन फंक्शन, कॉस माइनस टू टी लिखो कि कॉस प्लस टू टी लिखो, तो ये दोनों कैंसल आउट होगा, तो इसका आंसर आ सकता है 1/4 इज टू माइनस टू टी इंटू टी साइन टू टी, ये हमारा आंसर है ये एग्जांपल। तो ऐसे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ओके ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले इनवर्स पता होना चाहिए, अगर आपको f(t) g(t) फाइंड करना नहीं आते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ओके तो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल था।
ओके चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देंगे हम। एस स्क्वायर अपन एस इज टू फोर माइनस ए इज टू फोर। नेक्स्ट एग्जांपल है एस स्क्वायर अपन एस इज टू फोर माइनस ए इज टू फोर। कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है भैया। तो सबसे पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला पार्ट्स लेता हूं, मान लो कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू मैंने लिया एस अपन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस दिया पहले मैंने, और एक लिया मैंने एस अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका दो पार्ट्स होता है। अगर आप इसका दो पार्ट्स करें एस स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस वाला टर्म्स मैंने एफ ऑफ एस लिख दिया और जी ऑफ एस में प्लस वाला लिख दिया। देखो चलो अब क्या करेंगे, तो एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे, जी ऑफ टी फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ टी क्या होगा, एस अपन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस एच ए टी। हाइपरबोलिक है भैया, हाइपरबोलिक है। ओके चलो जी ऑफ टी क्या होगा, तो ओनली कॉस ए टी होगा। क्या होगा, ओनली कॉस ए टी। हमें एफ ऑफ टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ यू। क्या चाहिए, एफ ऑफ यू। क्या होगा, कॉस एच ए यू, ऐसा होगा। चलो जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा, तो इसका होगा कॉस at माइनस au। तो हमारे पास f ऑफ u g ऑफ t माइनस u आ चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके देखते, तो f ऑफ u g ऑफ t माइनस u हम इसमें लिख देते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, और साथ इसके बाद सारे जो भी लिखा है वो मैं हम इरेज कर देंगे। ओके तो लिखते हैं यहाँ पे, देख लो, जीरो टू टी एफ ऑफ यू कॉस एच ए यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू कॉस ए टी माइनस ए यू। चलो ये तो मैंने लिख दिया। अब तो आप सोचेंगे 2cc लगा दो सर, लेकिन 2cc से काम नहीं चलेगा भाई, वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। cos h a u हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके बाद इसका सॉल्यूशन होगा। दो भाग में डिवाइडेशन होगा इंटीग्रेशन, और एग्जांपल हमारा लेंदी हो जाएगा। ये एग्जांपल 7 मार्क्स के पूछते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है इसमें। ओके चलो तो हम सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके चलो तो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। चलो सबसे पहले इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता है कि हम कॉस एच टी को क्या लिखते थे, ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी बाय टू, ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे कॉस एच ए यू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं जीरो टू टी e रेस टू ए यू प्लस e रेस टू माइनस ए यू बाय टू, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये जो टर्म्स है वो हम एज इट इज रखेंगे, cos ए टी माइनस ए यू एज इट इज रखेंगे। चलो अब स्प्लिट करके दो इंटीग्रेशन करना है, इसकी लिमिट फाइंड कर दो, वैल्यू फाइंड कर दो, आंसर हो जाएगा।
ओके चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो 1 बाय 2 है इसको मैं बाहर लिख देता हूं, यहाँ पे होगा 0 टू टी ई रेस टू ए यू इंटू कॉस ए टी माइनस ए यू डी यू, इसके बाद प्लस यहाँ पे होगा 0 टू टी ई रेस टू माइनस ए यू कॉस ए टी माइनस ए यू डी यू कंप्लीट। चलो अब इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था इसमें आपको बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कॉस है तो हम ई रेस टू ए एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ या इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ और बाद में हम लिमिट पुट करेंगे। तो 1 बाय 2 तो कॉमन है, चलो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ e रेस टू ए यू, इसमें u के साथ माइनस a है तो ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा a cos ए टी माइनस ए यू माइनस ए साइन ए टी माइनस ए यू और लिमिट है हमारी, इसकी लिमिट हम 0 टू t पुट करेंगे इसमें पूरा एग्जाम्पल में। ओके इसको मैं ये ब्रैकेट कर देता हूं। ओके चलो सिमिलरली इसमें ई रेस टू माइनस ए यू अपन माइनस ए का स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर होगा, ए भी ए स्क्वायर होगा, ये होगा माइनस ए कॉस ए टी माइनस ए यू माइनस ए साइन ए टी माइनस ए यू लिमिट 0 टू टी, और ये जो ब्रैकेट है वो मैंने पता चला इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, ये यू के साथ है ए वो प्लस है और ये यू के साथ ए वो माइनस है, तो ये माइनस तो इसमें दोनों माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस टर्म्स हो गए। चलो अब लिमिट पुट करता है, तो लिमिट पुट करूं मैं तो सबसे पहले ये जो लिमिट पुट करता हूं मैं ऊपर लिखता हूं इसलिए आपको पता चले इजीली। ओके चलो तो ऊपर लिखता हूं मैं इसलिए आपको इजीली पता चले। ओके चलो 1 बाय 2 बाहर है तो एज इट इज लिख देता हूं 1 बाय 2। चलो सबसे पहले ये t पुट करूंगा, जहां पे u है वहां पे आपको t पुट करना है, तो e रेस टू ए टी होगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर होगा, क्या होगा 2a स्क्वायर। चलो यहाँ पे t पुट करो तो cos 0 हो जाएगा, क्या होगा a cos 0 होगा और a sin 0 होगा, sin 0 माइनस a sin 0, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो अब 0 पुट करता हूँ, e रेस टू 0 अपन 2a स्क्वायर a, ये cos u के बदले 0 पुट करेंगे तो a t बचेंगे cos a t। ओके और ये माइनस ए साइन ए टी ऐसा बचेंगे, ये हुआ इसका सिंप्लीफिकेशन। ये बात चलो अब पीछे वाला सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो पीछे वाले सिंप्लीफिकेशन में बीच में प्लस है, चलो इसका सिंप्लीफाई करते हैं। ई रेस टू पहले मैं टी पुट करूंगा तो ई रेस टू माइनस ए टी अपन टू ए स्क्वायर, चलो इसमें होगा माइनस ए कॉस जीरो माइनस ए साइन जीरो बीच में माइनस ई रेस टू जीरो अपन टू ए स्क्वायर माइनस ए कॉस ए टी माइनस ए साइन ए टी ऐसा होगा, कंप्लीटली ऐसा होगा भाई। चलो अब साइन जीरो में जीरो लिख देता हूँ और कॉस जीरो वन लिख देता हूँ और इसके बाद टू ए स्क्वायर देखो और ऊपर से ए देखो, दर एक ऑल टर्म्स में ए है तो सब में से ए कॉमन निकालता हूँ, नीचे से टू ए स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूँ। ओके चलो तो देखते हैं, ओके
चलो ये जो वन बाय टू है, ये जो टू ए स्क्वायर है, ये टू ए स्क्वायर, ये टू ए स्क्वायर और ये टू ए स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूं। ओके, तो टू ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया और ऊपर से देखो ये ए है, ये ए, ए सब ए को मैंने बाहर निकाल दिया। चलो अब क्या बचेंगे, तो ए इज टू ए टी होगा। ओके, ये होगा ए निकल गया, कॉस जीरो वन है, साइन जीरो जीरो है। ओके चलो, ये कॉस ए टी बचेंगे, माइनस है तो माइनस ए कॉस ए टी ऐसा होगा। ये होगा माइनस, सॉरी ए तो निकाल दिया है मैंने, ए को निकाल दिया है, तो माइनस कॉस ए टी होगा, माइनस कॉस ए टी होगा और ये माइनस माइनस प्लस साइन ए टी होगा, ऐसा होगा। चलो अब ये है प्लस, लेकिन ये कॉस जीरो वन होगा, माइनस ए निकाल दिया है मुझे, मैंने उसको निकाल दिया है, तो प्लस ई रेस टू माइनस ए टी, ये हुआ माइनस वन, कॉस जीरो वन है लेकिन ये माइनस है और ये जीरो होगा, ये वन, ये माइनस कॉस ए टी माइनस जीरो, ऐसा होगा। ओके चलो, चलो तो अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से ये सब ए जो है इसको निकाल दिया मैंने, साइन जीरो इज इक्वल टू मैंने जीरो देख लिया है। ओके तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे वन होगा, ये जीरो होगा, यहाँ पे होगा कॉस एटी, माइनस में होगा, ये प्लस साइन एटी होगा। ओके चलो, सिमिलरली ये कॉस जीरो वन है, ए निकल गए, माइनस वन बचेंगे, ये जीरो हो जाएगा। ओके यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, मैं करता हूं और ये माइनस साइन एटी। ओके चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक ए कट हो जाएगा, ये होगा फोर ए, चलो ये हुआ ई रेस टू एटी, माइनस कॉस एटी प्लस साइन एटी प्लस ई रेस टू माइनस एटी, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वन है और ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स प्लस हो गए क्योंकि बाहर माइनस है, तो प्लस कॉस एटी प्लस साइन एटी। ओके चलो अब देखो, तो कॉस एटी कैंसल आउट होगा, साइन एटी और साइन एटी, साइन टू एटी होगा, तो साइन टू एटी कर देते हैं, तो ये होगा वन बाय फोर ए, ये हुआ ई रेस टू एटी माइनस ई रेस टू माइनस एटी प्लस साइन टू टाइम साइन एटी, ऐसा होगा। चलो अगर मैं मुझे इसको हाइपरबोलिक में लिखना है तो बाय टू होना चाहिए, तो ये जो फोर है इसमें से टू में अंदर ले लेता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई रेस टू एटी ई रेस टू माइनस एटी बाय टू प्लस टू साइन एटी बाय टू। चलो ये हुआ हमारा साइन, बीच में माइनस है, साइन एच एटी और ये हुआ टू टू कैंसल आउट, ये हुआ हमारा साइन एटी। ओके तो ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इतना आंसर होगा वन बाय टू ए साइन एच एटी प्लस साइन एटी। ओके चलो, तो आज के जो वीडियो लेक्चर है हमारे कन्वोल्यूशन थ्योरम में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके गुड बाय टू एवरीवन।